अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे जनाब रिएक्शन करने वाले हैं वो है PSL 8 2023 एंथम। और इसके बारे में बड़ी धूम मची हुई है और इसके बारे में बड़ा जो है ना वो वेट कर रहे हैं लोग कि PSL एंथम कैसा आएगा, तो अब उसको ट्रोल करेंगे हम। तो ये कुछ हमारे यहाँ का बन गया है कि हमने जो है वो जो भी नया एंथम आता है हम उसको कंपेयर करते हैं पिछले वाले से। और ज़्यादातर अली ज़फ़र के जो जो एंथम गाए हुए हैं उससे हम कंपेयर करते हैं। अब सीटी बजेगी और खेल जमेगा। और ठीक है, अली ज़फ़र ने जो है वो अपना पूरा 100% दिया, उनको एफर्ट करी, उनको मौका मिला। अब जो है वो न्यू सिंगर्स अगर आ रहे हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए और वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं। अगर अच्छा है तो हमें अच्छा भी बोलना चाहिए। लास्ट ईयर वाले पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि नसीबुलहाल वाला अच्छा नहीं था और ऐसा था और वैसा था, और शोएब अख्तर के भी आ गए कमेंट्स के मेरे बच्चे डर गए और ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो लेट्स होप कि इस दफ़ा कैसा होता है। सो लेट्स प्ले एंड वॉच रिएक्ट ऑन इट। PSL 2023 प्रेजेंट सबसे तारे हॉर्स लाहौर कलंदर्स वेटर ग्रेजुएटर कराची किंग लगे सबका ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन जैसे हर घर में है। शफी का तो स्वागत है। टिकट रेडियो पर लिसन टीवी पे कर रहे हम मैचों को व्यू। किंग ऑफ थ्रोन्स की तरह बी ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ योर क्रू बेस्ट 11 जैसे ये ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन। अब उठेगा गेमों का लेवल, ये है एथलेटिक एंडेवर, ये क्राउड है हिस्टेरिकल, ट्रॉफी हिस्टोरिकल। हम सब सितारों के नाम इस पे लिखे फॉरएवर एंड एवर, ये मैजिकल हूं। एब्राकडेब्रा स्लिप में जो निकली ये स्पिनिंग डिलीवरी, बाउंड्री के ऊपर से मैसेज की एनर्जी लेके जो बैट्समैन ने खेली थी एक्चुअली लेग पे मिली थी ग्राउंड से बाहर। चीखो पुकार सीने पे लिखा है टीमों का नाम। We bring the heat up, super league का fever जैसे बुखार। जीत और शिकस्त तो है मालिक के हाथ में, आए सब सितारे हमारे दोबारा। छोड़ो ये फिक्रें और छोड़ो वो गम, ऊंची उम्मीद लेके आए हैं हम। पूरी करेंगे हर टूटी कसम, गेंद हवा में उड़ी सांस गई थम। अब्दुल्ला शफीक भी आ गया, पूरा बोर्ड छुपा दिया इन्होंने। जीत और शिकस्त तो है मालिक के हाथ में, सब सितारे हमारे दोबारा। ग्रेट। तो जनाब ये है PSL 8 का एंथम और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया यार, अच्छा है। और इसमें ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स करके इन्होंने गाया है और
चार लोगों को इसमें शामिल किया, अब्दुल्ला शफीक को, शाह गिल को और आसिम अज़हर को और फ़ाइज़ शफ़ी को। फ़ाइज़ शफ़ी का इंक्लूजन मुझे लग रहा था कि समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन अच्छी जो है रैप, अच्छा रैप किया उन्होंने। उसके अलावा आसिम अज़हर ने भी बहुत अच्छा इसमें इंक्लूजन किया अपना, और शाह गिल ने भी, तो मेरे ख्याल में तो अच्छा है। और अब लोगों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अली ज़फ़र के सॉन्ग से। अली ज़फ़र के सॉन्ग्स अच्छे थे, वो क्रिकेट बैक हो रही थी पाकिस्तान में, तो उसके हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे करे थे कि अब सीटी बजेगी फिर खेल सजेगा। वो इमोशन अटैच है उससे, इसलिए वो हमेशा जो है वो हम उसको बोलते हैं कि वो वाला ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है और आई पर्सनली लाइक हिम, लाइक दिस सॉन्ग। और बहुत अच्छा जो है वो चारों का इंक्लूजन, और चारों ने अपना पार्ट पूरा प्ले किया है। मुझे लगता है कि अब जो है वो मज़ा आने वाला है PSL में। ये जब क्राउड के सामने बजेगा ओ वे ओ, तो जब चांट होगा इतने बड़े क्राउड के में, तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और PSL स्टार्ट हो रही है कल से, तो PSL पे मैचेस में रिएक्शन और प्रेडिक्शंस पे इंशाल्लाह हम वीडियोस करेंगे रोज़। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।